सभी को आशीष दे और उसका अनुग्रह आप सबों पर बना रहे। मेरे भाई मेरी बहन, आइए हम प्रभु की आराधना करें। और प्रभु की स्तुति और आराधना जब आप करते हैं उसके लिए एक माहौल की ज़रूरत होती है, एटमोस्फियर जिसको हम बोलते हैं, माहौल होना चाहिए। कई बार हम उस माहौल में नहीं होते हैं, प्रार्थना के माहौल में नहीं होते हैं, और हम कोशिश करते हैं प्रार्थना करने के लिए, फिर हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है। कई लोगों की शिकायत रहती है अक्सर कि हमारा मन नहीं लगता है। आखिर मन क्यों नहीं लगता भाई? कारण ये है कि हमने अपने अंदर ऐसा माहौल बना के नहीं रखा है ना। एक होता है बाहरी माहौल, एक होता है अंदर का माहौल। समझ पा रहे हैं आप? बाहरी माहौल चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं। उदाहरण के लिए आप किसी प्रार्थना सभा में गए, वहां पे सुंदर सुंदर फूल से सजाया गया है वो, और काफी सारा सफेद चादरें या सफेद सफेदी से बिछाया गया है जिसको देख के लगता है कि ये पवित्र स्थान है, और काफी कुछ सजावट की गई है बाहर से, और वहां पर अच्छे अच्छे ड्रेस पहन के लोग आए हुए हैं। बाहर का माहौल ठीक ठाक है, लेकिन बाहरी माहौल तो आपने ठीक कर दिया, लेकिन जब आपके अंदर ही वो माहौल नहीं है प्रार्थना का, तो आपका मन वहां पर भी नहीं लगेगा। चलो दूसरा उदाहरण देते हैं। आपने घर में एक अच्छी ऑल्टर बनाई होगी, वेदी बनाई होगी, और वहां पर वेदी को सजाया होगा, शायद प्रभु के चित्र भी लगाए होंगे, शायद कई लोग मोमबत्ती भी जला के रखते हैं, हम भी यहां काफी सजावट करके रखते हैं, और ये सब सजावट एक्चुअली प्रभु को नहीं चाहिए, प्रभु को यहां पर सजावट चाहिए, लेकिन फिर भी हम माहौल बनाने के लिए ऐसा सब करते हैं। और आपने भी घर पे वेदियां बनाई हूं, लेकिन जब आपके अंदर से वो माहौल नहीं है, अंदर से वो माहौल नहीं है, तो आप क्या प्रार्थना कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। इसलिए बाहरी माहौल के साथ साथ हमें अपने अंदर भी वो माहौल क्रिएट करना होगा, है ना। अंदर भी वो माहौल लाना होगा, बनाना होगा, तभी हम मन लगा के प्रार्थना कर पाएंगे, आत्मा में प्रार्थना कर पाएंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, चलो एक और उदाहरण लेते हैं। फुटबॉल मैच हो रहा है ना, किसी स्टेडियम में फुटबॉल मैच होता है, चलो क्रिकेट मैच होता है, और वहां पर कई लोगों आमंत्रित किया जाता है, टिकट लेके लोग आते हैं, तो वहां का माहौल कैसा होता है? लोग शोर शराबा करते हैं, जगह जगह चित्र तस्वीरें लगी होती हैं, और जर्सियां पहनी होती हैं, उस तरीके की फुटबॉल बनियां उन्होंने बनाया होता है, माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि एक खेल का माहौल बने, है ना, एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, और वहां पर खेला जाता है, तो उन्होंने माहौल बनाया और खेला। उसके बाहर आप देखेंगे स्टेडियम के बाहर, वहां पर भी माहौल बना के रखते हैं। इसी तरह ये तो बाहरी बात हुई, लेकिन प्रार्थना में हमें माहौल बनाने की जरूरत है। अब कहेंगे ये जरूरी है क्या? जी हां, बिल्कुल जरूरी है। एक उदाहरण देता हूं आपको बाइबल से, आप पढ़ेंगे राजाओं के दूसरे ग्रंथ में, वहां पर एलिशा के पास कुछ लोग कुछ पूछने के लिए आए, ये पूछने के लिए आए कि बताओ कि इसके बारे में प्रभु क्या कहते हैं। उनकी कुछ बात थी कि हम करें या ना करें, तो एलिशा अपने सेवकों से कहता है कि एक वीणा बजाने वाले को बुलाओ, जो वीणा बजाता है उसको बुलाओ, क्योंकि मैं कोई प्रेरणा नहीं पा रहा हूं। अब वीणा बजाने वाले को बुलाया जाता है, एक्चुअली में क्या हो रहा था, एलिशा को वो माहौल नहीं मिल रहा था। जब वीणा बाले वाले को बुलाया गया, वीणा बजाना शुरू किया गया, आप जानते हैं क्या हुआ? एलिशा को पवित्र आत्मा की प्रेरणा प्राप्त हुई और उसने उनकी बातों को उन्हें बताया कि प्रभु ये कहता है।
तो एलिशा ने अपने आसपास माहौल बनाया। संगीत एक माध्यम है जिसके कारण हम प्रार्थना में माहौल बना सकते हैं अपने अंदर। लगातार संगीत सुनिए, अपने घर में बजाते रहिए, तो घर का माहौल प्रार्थना में बनेगा, आपके अंदर भी प्रार्थना में। अगर आप फिल्मी गाने सुनते हैं, मूवी देखते हैं और इधर उधर जाके आए और तुरंत टपक से आगे प्रार्थना में बैठ गए और फिर कहेंगे आधे घंटे बाद मन नहीं लग रहा है, तो कैसे लगेगा मन? नहीं लगेगा जी, समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं लगेगा। इसलिए माहौल बनाना जरूरी है। उपदेशक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि प्रभु के सामने आकर अपनी जुबान से जल्दी से कोई शब्द मत निकालो। हम में से कई लोग ऐसे ही होते हैं ना, फिर कहते हैं अरे मन नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, आनंद नहीं आया। कैसे आएगा? वही आपके आसपास खड़े लोगों को आनंद आया लेकिन आपको नहीं आया, क्योंकि आपके अंदर माहौल नहीं था। माहौल बनाना पड़ता है, है ना? ऐसा नहीं होता कि आप बाजार गए सीधा कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अच्छा लौकी लानी है, करेला लाना है और अदरक लानी है, और क्या मंगाया था भूल गया, और उसी समय आकर आप प्रार्थना में बैठ जाते, तो क्या माहौल बनेगा? आपके दिमाग में क्या घूम रहा, हाँ जी करेला मंगाया था कि अदरक मंगाई थी? माहौल बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। हाँ, इसी तरह आप एकदम सीरियल देख रहे हैं, आराधना शुरू होने से पहले सीरियल चल रहा है सास बहू का और वो रो रही है कोई, फिर कोई सस्पेंस में आके रोक देते हैं, फिर आप तुरंत आराधना चालू कर लेते हैं 7 बजे, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा हो, क्यों रो रही हो गया, कल क्या होगा? तो मन लगेगा कि संदीप भैया यहाँ से कुछ गीत गाएं, आपका मन नहीं लगेगा, फादर कुछ भी बोले मन लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो माहौल बनाने की जरूरत है, है ना? तो माहौल बनाएं, अपने परिवार में प्रार्थना में माहौल बना के रखें। चलिए प्रार्थना करें, आराधना करें। हम इस समय गीत गाने जा रहे हैं, गीत में शामिल हो जाना मेरे साथ और हम प्रभु की आराधना दिल की गहराइयों से इस समय करेंगे। धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करें मेरे साथ मिलकर।
भूख मिटाने मैं आया हूँ। प्रभु तेरे प्रेम का मैं भूखा हूँ, प्रेम को मैं पाने आया हूँ। यीशु तू जीवन रोटी है, भूख मिटा करता हूँ मैं प्रार्थना, मुझ पर दया करना मेरे प्रभु। प्रभु अंधियारे में भटक रहा हूँ, उजियारा पाने आया हूँ। यीशु तू है जग की ज्योति, जीवन ज्योति पाने आया हूँ। अपना प्रकाश मुझे देना प्रभु तू, अपना प्रकाश मुझे देना प्रभु। करता हूँ मैं अर्चना, मुझ पर दया करना एक साथ। Yeah.
तेरी आराधना जीवित प्रभु की आराधना बलि चढ़ने वाले की आराधना तालियां बजा के आराधना आराधना जीवित प्रभु की आराधना हालेलुया यीशु मसीहा की आराधना हाँ तू ही तो है हालेलुया
बोलते से रूह का मसा छाए, रूह की आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रभु यीशु अधिकार लीजिए हमारे परिवार पर, इस भवन पर। हे पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु, हम तेरी आराधना करते, तेरी महिमा गाते। तेरा वादा है, जहां पर दो या तीन मेरे नाम से एकत्र होंगे, मैं उनके बीच में हाजिर रहूंगा। हे प्रभु यीशु, सारे बंधनों को तोड़ दीजिए। हर शैतानी दुरात्मा शक्तियां तेरे नाम से जल के राख हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। सामर्थवान जीवित प्रभु की उपस्थिति में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु का अनुग्रह इस वेदी से आपके परिवार की ओर बह रहा है, उसका सानिध्य हमें घेरे हुए हैं। आज की पवित्र स्तुति प्रशंसा आप लोगों के लिए, प्यारे भाइयों और बहनों, उद्धार का कारण बन जाए, अनुग्रह का कारण बन जाए, प्रभु का सानिध्य महसूस करें। अनुग्रह और आशीष का ये समय है, आपकी चंगाई का समय है, आपकी सांत्वना का समय है, आपके दुखों का कम होने का समय है। इस वक्त प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का अनुग्रह आपके परिवारों की ओर बह रहा है। प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है। सारी चिंताओं को भूलकर अपने आप को, अपनी सोच विचार और अपने मन को खुले हृदय से प्रभु के वचन को स्वीकार करने के लिए तैयारी करें। आप इस वक्त जहां कहीं भी हैं, दूर दराज में, देश विदेश में, देश के किसी भी कोने में, यदि आप बैठकर यात्रा के दौरान या अपनी गाड़ी में इस आराधना में भाग ले रहे हैं और मेरे साथ आत्मा और मन में एक हैं, तो प्रभु आपको ब्लेस करेगा। वो आपकी सुधि लेता है, वो आपका भविष्य उज्जवल बनाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। प्यारे भाइयों और बहनों, अपना समय आप परमेश्वर को दें। गिव योर क्वालिटी टाइम टू जीसस। Give your quality time to the Lord. Come to the Holy of Holies, in the presence of the Holy of Holies. Yeshu ne kaha, jahan par do ya teen mere naam se ekatr hote, main unke beech mein hazir rehta hoon. Aisa haseen vaada, pyare bhaiyo aur behno, aaj tak duniya mein kisi ne nahi kiya. Aisa haseen vaada aaj tak duniya mein kisi ne nahi kaha. कि मैं तेरे साथ रहूंगा, जब तू मुझे पुकारेगा मैं उत्तर दूंगा, मैं अपना स्वर्ग दूत तेरे आगे आगे भेजूंगा, मैं तेरी ओर से युद्ध लड़ूंगा, चिंता ना कर, तू घबरा मत, संसार के अंत तक मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, इस वक्त प्रभु से जुड़ जाना, अपनी आत्मा को प्रभु से कनेक्ट करना। यीशु अपनी आदत के अनुसार नित्य प्रतिदिन बाइबल में बताती है कि प्रार्थना करने के लिए एकांत में पहाड़ी पर जाया करते थे, और अपनी जिंदगी के लिए और आने वाले जीवन के लिए, दिनों के लिए, चिन्ह चमत्कारों के लिए परमेश्वर से मशवरा करते थे, धन्यवाद देते थे हर एक मिरेकल के लिए, उनकी उपस्थिति के लिए। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा खुदा जिंदा खुदा है, हमारा खुदा भरपूरी का खुदा है,
हमारी आशीषें वहां मिलती हैं जहां पर हमारा प्रभु रहता है। हम उस प्रभु की आराधना करते हैं, उस प्रभु की महिमा गाते हैं जिसने प्यारे भाइयों और बहनों अनेक चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं। इसलिए मेरे साथ मिलकर इस गीत के द्वारा अंगीकार करना और प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करना। कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने, जहां दो या तीन मेरे नाम से एकत्र होंगे मैं उनके बीच में हाजिर रहूंगा। करता हूं। आप हमारे बीच में हाजिर हैं। आइए प्रभु यीशु, मेरे परिवार पर, मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए। आज की संध्या वंदना और मेरी प्रार्थनाएं, मेरा प्रायश्चित आपको पसंद आए। हालेलुया।
हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तोत्र संख्या 44, साम नंबर 44, साम नंबर 44, मेरे पीछे दोहराइएगा। ईश्वर तूने हमारे पूर्वजों के समय में, ईश्वर तूने हमारे पूर्वजों के समय में, प्राचीन काल में क्या क्या किया था, प्राचीन काल में क्या क्या किया था, हमने वह अपने कानों से सुना है, हमने वह अपने कानों से सुना है, हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है, हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है, उन्हें बसाने के लिए तूने अपने हाथ से, उन्हें बसाने के लिए तूने अपने हाथ से, राष्ट्रों को निर्वासित किया, राष्ट्रों को निर्वासित किया, उनकी वृद्धि के लिए, उनकी वृद्धि के लिए, तूने अन्य जातियों का दमन किया, तूने अन्य जातियों का दमन किया, क्योंकि वे अपनी तलवार के बल के देश के, क्योंकि वे अपने तलवार के बल के देश के अधिकारी नहीं बने, अधिकारी नहीं बने, वे अपने बाहुबल से विजयी नहीं हुए, वे अपने बाहुबल से विजय नहीं हुए, बल्कि वह तेरे दाहिने हाथ से, बल्कि वह तेरे दाहिने हाथ से, तेरे बाहुबल और तेरी कृपा दृष्टि का परिणाम था, तेरे बाहुबल और तेरी कृपा दृष्टि का परिणाम था, क्योंकि तू उनको प्यार करता था, क्योंकि तू उनको प्यार करता था, ईश्वर मेरे राजा, ईश्वर मेरे राजा, तू ही याकूब को विजय दिलाता है, तू ही याकूब को विजय दिलाता है, तेरी सहायता से हमने अपने शत्रुओं को भगाया, तेरी सहायता से हमने अपने शत्रुओं को भगाया, तेरे नाम के प्रताप से, तेरे नाम के प्रताप से, हमने अपने अक्रामकों को रौंदा, हमने अपने अक्रामकों को रौंदा, मुझे अपने धनुष का भरोसा नहीं था, मुझे अपने धनुष का भरोसा नहीं था, मेरी तलवार मुझे विजय नहीं दिलाती थी, मेरी तलवार मुझे विजय नहीं दिलाती थी, तूने ही हमें हमारे शत्रुओं पर विजय दिलाई, तूने ही हमें हमारे शत्रुओं पर विजय दिलाई, तूने हमारे बैरियों को नीचा दिखाया है, तूने हमारे बैरियों को नीचा दिखाया है, हम प्रतिदिन ईश्वर का स्तुति गान करते हैं, हम प्रतिदिन ईश्वर का स्तुति गान करते हैं, हम निरंतर तेरे नाम को धन्य कहेंगे, हम निरंतर तेरे नाम को धन्य कहेंगे, किंतु अब तूने हमें त्यागा, किंतु अब तूने हमें त्यागा, और अपमानित होने दिया, और अपमानित होने दिया, अब तू हमारी सेनाओं का साथ नहीं देता, अब तू हमारी सेनाओं का साथ नहीं देता, हम अपने शत्रुओं के सामने से हटते हैं, हम अपने शत्रुओं के सामने से हटते हैं, और वे जब चाहे हम पर छापा मारते हैं, और वे जब चाहे हम पर छापा मारते हैं, तूने हमें भेड़ बकरियों की तरह, तूने हमें भेड़ बकरियों की तरह वध के लिए छोड़ दिया, वध के लिए छोड़ दिया, तूने हमें राष्ट्रों के बीच बिखेर दिया है, तूने हमें राष्ट्रों के बीच बिखेर दिया है, तूने अपनी प्रजा को सस्ते दामों पर बेचा, तूने अपनी प्रजा को सस्ते दामों पर बेचा, और उससे तुझे कोई लाभ नहीं हुआ, और उससे तुझे कोई लाभ नहीं हुआ, हमारे पड़ोसी हम पर ताना मारते हैं, हमारे पड़ोसी हम पर ताना मारते हैं, आसपास रहने वाले हमारा उपहास करते हैं, आसपास रहने वाले हमारा उपहास करते हैं, गैर यहूदी राष्ट्रों में हमारी निंदा होती है, गैर यहूदी राष्ट्रों में हमारी निंदा होती है, लोग सिर हिलाते हुए हम पर हंसते हैं, लोग सिर हिलाते हुए हम पर हंसते हैं, मेरा कलंक दिन भर मेरे सामने है, मेरा कलंक दिन भर मेरे सामने है,
अपमान और ईश निंदा सुनते सुनते अपमान और ईश निंदा सुनते सुनते मैं प्रतिशोध की कामना करने वाले शत्रुओं के सामने मैं प्रतिशोध की कामना करने वाले शत्रुओं के सामने लज्जा के मारे अपना मुख छिपाता हूँ लज्जा के मारे अपना मुँह छिपाता हूँ ये सब होते हुए भी यह सब होते हुए भी हमने तुझे नहीं भुलाया हमने तुझे नहीं भुलाया हमने तेरे विधान के साथ विश्वासघात नहीं किया था हमने तेरे विधान के साथ विश्वासघात नहीं किया था हमारा हृदय नहीं मुकर गया था हमारा हृदय नहीं मुकर गया था तुझसे विमुख नहीं हुआ था तुझसे विमुख नहीं हुआ था हमारे पैर तेरे मार्ग से नहीं भटके थे हमारे पैर तेरे मार्ग से नहीं भटके थे जब तूने हमारा देश उजाड़ कर जब तूने हमारा देश उजाड़ कर उसे गीदड़ों का अड्डा बनाया उसे गीदड़ों का अड्डा बनाया और मृत्यु की छाया से हमें ढक दिया और मृत्यु की छाया से हमें ढक दिया यदि हमने अपने ईश्वर का नाम भुलाया होता यदि हमने ईश्वर का नाम भुलाया होता और पराए देवता के आगे हाथ फैलाए होते और पराए देवता के आगे हाथ फैलाए होते तो क्या ईश्वर ने यह नहीं देखा होता तो क्या ईश्वर ने यह नहीं देखा होता वह तो हृदयों का रहस्य जानता है वह तो हृदयों का रहस्य जानता है तेरे कारण दिन भर हमारा वध किया जाता है तेरे कारण दिन भर हमारा वध किया जाता है वध होने वाली भेड़ों में हमारी गिनती हुई है वध होने वाली भेड़ों में हमारी गिनती हुई है प्रभु जाग तू सोता क्यों है प्रभु जाग तू सोता क्यों है उठ हमें सदा के लिए नात्या उठ हमें सदा के लिए नात्या तू हमसे अपना मुख क्यों छिपाता है तू हमसे अपना मुख क्यों छिपाता है और हमारी दयनीय दशा क्यों भुलाता है और हमारी दयनीय दशा क्यों भुलाता है क्योंकि हमारी आत्मा धूल में पड़ी हुई है क्योंकि हमारी आत्मा धूल में पड़ी हुई है हमारा शरीर मिट्टी में रौंदा गया है हमारा शरीर मिट्टी में रौंदा गया है उठकर हमारी सहायता कर उठकर हमारी सहायता कर हालेलुया 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 यीशु की स्तुति हो यीशु की स्तुति यीशु को धन्यवाद यीशु को धन्यवाद यीशु की आराधना हो यीशु की आराधना यीशु की महिमा हो यीशु की महिमा यीशु को धन्यवाद यीशु को धन्यवाद हे प्रभु यीशु मेरे जीवन में मेरे जीवन मेरे परिवार में मेरे परिवार रोग बीमारी का रोग बीमारी दुष्ट आत्माओं का दुष्ट आत्माओं कोई अधिकार नहीं है कोई अधिकार मैं आपकी आराधना करता हूँ आपकी आराधना करता हूँ हे प्रभु यीशु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है कुछ भी असंभव नहीं है मुझसे बातें कीजिए मुझसे बातें अपने वचन के द्वारा अपने वचन के द्वारा मेरा उद्धार कीजिए मेरा उद्धार कीजिए हालेलुया 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 मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठा है आनंदित हो उठा है मुझे अपने प्रभु से मुझे अपने प्रभु से बल मिलता है बल मिलता है आमीन आमीन रेजनों बाइबल हमें बताती हैं कि पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के अनुग्रह की सिंहासन की ओर ले चलता है और हमारी अस्पष्ट आहों के द्वारा पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है क्योंकि पवित्र आत्मा ईश्वर के हृदय के रहस्यों को जानता है इसलिए जब आत्मा प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उस प्रार्थना को स्वीकार करता है इसलिए हम प्रभु के सामर्थ्य से भर जाएं पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे वो हमें प्रभु के सिंहासन की ओर ले चले हमारे जीवन से हर प्रकार का बंधन टूटे और हमें प्रभु के अनुग्रह से वो परिपूर्ण करें मुझको तेरी जरूरत है पावन आत्मा
तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं तो भूखा हूँ, मेरी भूख मिटाने तू आ जा, हे पावन आत्मा। मैं तो भूखा हूँ, मेरी भूख मिटाने तू आ जा, हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूर। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे बिजनेस में, मेरे बिजनेस में, मेरे दफ्तर में, मेरे दफ्तर में, मेरी संस्था में, मेरी संस्था, मेरी कलीसिया में, मेरी कलीसिया, मेरे व्यक्तिगत जीवन पे, मेरे व्यक्तिगत जीवन पे अधिकार लीजिए, अधिकार लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, विश्वासियों की सबसे बड़ी सांत्वना ये है, विश्वासियों के लिए सबसे बड़ी सांत्वना का विषय ये है कि ईश्वर का सानिध्य हमारी पूंजी है। क्या है? ईश्वर का प्रेम हमारी पूंजी है। और दूसरी बात कि प्रभु हमसे वादा करता है कि तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल होगा कि तुम्हारी पिछली दशा तुम्हें आज की तुलना में, प्यारे भाइयों और बहनों, वो बहुत ज्यादा कम लगेगी, छोटी लगेगी। अर्थात जो दुख आप सहन करते आए हैं और जो महिमा आप देखने वाले हैं, जो अनुग्रह आपको मिलने वाला है ईश्वर की दया से, उस अनुग्रह की तुलना में जो दुख आपने सहन किया है वो नगण्य है। और प्रभु ये कहता है कि आप लोगों को कोई भी ऐसा प्रलोभन अभी तक नहीं दिया गया जो आपकी शक्ति से परे हो, जिसको कि आप सहन नहीं कर सकते। इसलिए एक विश्वासी उन चीजों को देखता है जो एक साधारण व्यक्ति नहीं देख सकता है। What a believer can see, an ordinary man who does not know God and Jesus, प्यारे भाइयों और बहनों, वो उन चीजों को नहीं देख सकता है। An ordinary man cannot see the things what a believer sees, क्योंकि एक विश्वासी को ईश्वर के वचन का ज्ञान है, ईश्वर की प्रतिज्ञाओं का भरोसा है, हर दिन वो रोज उसका वचन सुनता है और उसका वचन हमें सांत्वना देता है,
और यदि हम फिर भी दुख में रहते हैं तो शायद हमारे जीवन में विश्वास की कमी है। एक विश्वासी के जीवन में दुख संकट आएंगे, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य उन संकटों को सहन करने का उसे सामर्थ्य देगा यदि विश्वासी वास्तव में ईश्वर पर विश्वास करता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो इसलिए संत पौलुस इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 16 में लिखता है, मैं बार बार आपको याद दिलाता हूँ कि भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास आ जाइए, भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास आ जाइए, जिससे कि आपको दया मिले और आप उस कृपा को प्राप्त करें जो आपकी आवश्यकताओं में आपकी सहायता करेगी। हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास आए जिससे कि हमें दया मिले, कृपा मिले और हम विषम परिस्थितियों में ईश्वर की सहायता को ग्रहण कर सकें और उसकी कृपा हमारी सहायता करे। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आज बहुत सारे लोग दुखी हैं, विश्वासी भी दुखी है और जो विश्वास नहीं करता वो भी दुखी है, तो उसमें और हम में फर्क क्या है? यदि हमें किसी व्यक्ति पर भरोसा है और हमें विश्वास है कि यदि वो हमारे साथ है तो हमें किसी बात का डर ना रहेगा। और बाइबल हमें बताती है स्तोत्र संख्या 23 में हम पढ़ते हैं कि तेरी लाठी तेरे सोटे पर मुझे भरोसा है, अंधकार की घाटी से होकर चाहे जाना ही मुझे क्यों ना पड़े, मुझे किसी डर की शंका नहीं, किसी चीज का भय नहीं, क्योंकि तू मेरे देखते देखते मेरे लिए मेज सजाता और मेरा प्याला लबालब भर देता है। तेरी दया पर मुझे भरोसा है, और ये बात तभी हो सकती है जब हमारे जीवन में प्रभु के ऊपर हमारा विश्वास अटूट है। और इन सारे अनुग्रहों को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए एक विश्वासी को क्या करना चाहिए? दुख और विपत्ति में उसे क्या करना चाहिए? ये आज मैं समझता हूं कि इंसान या विश्वासी नहीं जानता है, और यदि जानता भी है तो कर नहीं पाता है। मैं ऐसे तमाम लोगों को जानता हूं कि जिनके जीवन में कष्ट है, बच्चों की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से, सिर ढकने के लिए छत नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है और दुख में जीवन व्यतीत होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? सबसे पहले सुक्ति ग्रंथ में अध्याय 16 पद संख्या 3 में लिखा है कि आप अपने सब कामों को प्रभु को अर्पित करें और आपकी योजनाएं सफल होंगी। तो सबसे पहला कार्य एक विश्वासी को जब वो विषम परिस्थितियों से होकर गुजरता है, जब दुख की घड़ी में वो रहता है, तो ऐसे समय में एक विश्वासी को अपने जीवन को और अपने सभी कामों को ईश्वर को अर्पित करने की आवश्यकता है। बोलिए आमेन, आमेन। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, सूक्ति ग्रंथ, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16, अध्याय 16 पद संख्या 3, पद संख्या 3, अपने सब कार्य, अपने सब कार्य प्रभु को अर्पित करो, प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं, और तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी, सफल होंगी। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, मनुष्य योजनाएं बनाता है, मनुष्य योजनाएं बनाता है, लेकिन उनकी सफलता, लेकिन उनकी सफलता प्रभु पर निर्भर है, प्रभु पर निर्भर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब देखिए, मैंने कहा कि विश्वासी दुखी हो जाता है, योजना बना के बैठा है लेकिन समर्पित नहीं है,
योजना बना के बैठा है लेकिन समर्पित नहीं है और वो सोचता है कि सब कुछ यूं ही हो जाएगा। और पवित्र वचन हमें कह रहा है कि तुम अपने सब कामों को, अपनी नौकरी को, अपने जीवन को, अपने बच्चे को, अपने दफ्तर को, अपने दाम्पत्य जीवन को और जो योजनाएं आपने भविष्य के लिए और वर्तमान के लिए बनाई हैं उसे प्रभु को समर्पित करो, क्योंकि योजना मनुष्य बनाता लेकिन उनकी सफलता ईश्वर पर निर्भर है। आप में से कितने लोग हैं आखिरी क्षणों में फेल हो जाते हैं, आखिरी क्षणों में फेल हो जाते हैं, इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है, क्योंकि वो योजना शायद प्रभु को समर्पित नहीं है। हो सकता है कि वो योजना आपके हित में नहीं है, इसीलिए प्रभु वो उस योजना को पूरा होने नहीं देता। इसलिए क्या करना है, निराश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर अगर एक योजना पूरी नहीं आपकी होती तो वो दूसरी योजना को पूरा करने के लिए तैयार रहता है, आपका साथ देने के लिए तैयार रहता है। इस बात पर एक विश्वासी को विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल हमें कहती है यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 कि मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है, तुम्हारे हित की योजना है, अहित की नहीं है, मैंने तेरे हित की योजना बनाई है, तेरे अहित की योजना नहीं बनाई। इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में उस काम को नहीं होने देगा जो कि आपके जिंदगी के लिए खतरनाक है। इसलिए कई लोग एक अच्छे वर और वधू की तलाश में रहते हैं लेकिन उन्हें तभी मिलता है जब वो प्रभु पर भरोसा करते हुए उस वर या वधू को ढूंढते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे और आपको अपने जीवन की इन विषम परिस्थितियों में अनुग्रह पाने के लिए सबसे पहला काम यदि करना है तो वो ये है, अपने कामों को, अपनी योजनाओं को आप प्रभु को समर्पित करें और ईश्वर उन्हें पूरा करेगा। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने परिवार को, मैं अपने परिवार को, अपने भावी जीवन को, अपने भावी जीवन को आपके चरणों में, आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरी बात प्यारे भाइयों और बहनों, हमें आवश्यकता है अपने जीवन में जब हमारी परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं और कोई रास्ता हमें सूझता नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में अपनी सिचुएशंस को प्रभु पर छोड़ने का प्रयास करें, प्रभु पर सारा भार प्रभु पर छोड़ दें। बाइबल हमें बताती है स्रोत संख्या 55 में हम पढ़ते हैं कि तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो और वह तुम्हें संभालेगा। क्या लिखा है, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो और वह तुम्हें संभालेगा। स्रोत संख्या 37 पद संख्या 5, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। बोलिए आमेन, आमेन। इन दोनों वचनों को दाहिना हाथ उठाकर दोहराएंगे, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, तुम अपना भार, तुम अपना भार प्रभु पर छोड़ दो, प्रभु पर छोड़ दो और वह तुम्हें संभालेगा, और वह तुम्हें संभालेगा। अपना जीवन, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा, और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक विश्वासी का जीवन वास्तव में एक कठिन जीवन है। एक विश्वासी का जीवन अगर त्याग में नहीं है, प्रार्थना से परिपूर्ण नहीं है, तपस्या से परिपूर्ण नहीं है तो वो अपने जीवन में प्यारे भाइयों और बहनों बहुत जल्दी ही क्या हो जाएगा, विश्वास से भटक जाएगा। बहुत जल्दी अपने जीवन में वो उन बातों को नहीं देख पाएगा कि जो परमेश्वर उसके जीवन में करना चाहता है।
आज की ये परिस्थिति जिसमें आप और मैं रहते हैं, एक ऐसे परिवेश में रहते हैं जहां हमें समस्याएं अधिक दिखती हैं और प्रभु की आशीष हमें कम नजर आती है, क्योंकि इंसान अपने जीवन में क्या करता है, अक्सर समस्याओं को देखता है। तो यदि आप समस्याएं देखेंगे तो आपको समस्याएं नजर आएंगी, यदि आप अपना दुख ही देखते रहेंगे तो आपको अपना दुख ही नजर आएगा। और यदि हम प्रभु की ओर अपनी दृष्टि लगाएंगे और अपना आनंद उसमें खोजेंगे तो हमें आनंद नजर आएगा और हम आनंद को अनुभव करेंगे। ये प्रभु ने कहा कि मेरे बच्चों से कहो कि अपने जीवन का भार, अपने जीवन की चिंता ये मुझ पर छोड़ दें, क्योंकि मैं इनकी सुधि लेता हूं। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और मैंने कहा कि वो हमारी सुधि लेता है और उसका सानिध्य हमें घेरे रहता है, और हमारी जो संपत्ति है वो प्यारे भाइयों और बहनों ईश्वर का सानिध्य है, ईश्वर का प्रेम है, ईश्वर की दया है, ईश्वर की करुणा है, ईश्वर पर हमारा भरोसा जो हमेशा कायम रहता है वो है। इसलिए उस ईश्वर को जानने की कोशिश करना है, उसके पास आने की कोशिश करना है, दुगने उत्साह के साथ ईश्वर के पास आने की कोशिश करना है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन ये कहता है कि प्रायश्चित करते हुए तुम परमेश्वर के पास लौट कर चले आओ और उत्साह के साथ उसके पास लौट कर आओ। तो एक विश्वासी के जीवन में हमेशा उत्साह रहना चाहिए। क्रिश्चियंस आर द पीपल ऑफ होप, आई से अगेन एंड अगेन। मसीह लोग आशावादी लोग हैं, मसीह लोग आशावादी लोग हैं। और यदि मसीह के मसीहों के जीवन में आशा नहीं है तो इसका मतलब यह है कि उसका विश्वास अधूरा है, उसने अभी तक ईश्वर को ना तो जाना, ना पहचाना और ना उसे अनुभव किया है। इसलिए मैंने कहा कि एक विश्वासी जब विश्वास करता है तो उन बातों को देख सकता है जो कि अन्य लोग नहीं देख सकते। तो सबसे पहली बात समर्पण, और दूसरी बात प्रभु पर अपनी परिस्थिति को छोड़ देना। आपके घर में दुख है, परेशानी है, नशा है, आर्थिक तंगी है और आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति में एकमात्र उपाय है कि उस ईश्वर को समर्पित हो जाओ जो हमारी सुध लेता है और जो सब कुछ कर सकता है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 27 कि जो बातें मनुष्यों के लिए यीशु ने कहा असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। और बाइबल ये कहती है कि क्या कोई बात ईश्वर के लिए असंभव है, क्या कोई बात ईश्वर के लिए असंभव है। तुम क्या सोचते हो, क्या मैं ये नहीं कर सकता। वो परमेश्वर जिसने लाल समुद्र में इसराइलियों के लिए रास्ता बनाया, सूखे कदमों उन्हें लाल सागर पार कराया, चट्टान से पानी निकाला और उन्हें पिलाया, इसराइलियों की हर जरूरत को उसने पूरा किया, आकाश से मन्ना बरसाया और उनकी भूख को मिटाया, वे मांस खाना चाहते थे तो उसने बटेरों को भेज दिया और लोगों ने बटेर इकट्ठे किए और उन्होंने आनंद मनाया और खाया। क्या उस परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव है, उस यीशु के लिए जिसने लंगड़े को चलाया, अर्धांग रोगी को उसने चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, नाइम की विधवा के बेटे को उसने जिंदा किया, लाजर को उसने कब्र में से निकाला, उस परमेश्वर ने जिसने एलिया को कौए के द्वारा भोजन कराया, प्यारे भाई और बहनों क्या उसके लिए कोई बात असंभव है। ये मुझे और आज आपको विश्वास करने की जरूरत है। प्रभु ये कहता है कि मैं कोई पहेलियां नहीं बुझाता हूं, मैं कोई पहेलियां नहीं बुझाता हूं। जब आप वचन सुनते हैं तो ये कोई पहेलियां नहीं है, ये कोई काल्पनिक चीजें नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत कथाएं नहीं है, यह जीवंत परमेश्वर का वचन है जिसमें जिंदगी है, जिसमें जीवन है, अनंत जीवन है, जो आपके जीवन को रास्ता दिखाता और आपके जीवन का पथ आलोकित करता है, आपको हौसला देता आगे बढ़ने के लिए,
आपकी दूसरी जिंदगी के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए आपको रोज दिन आपसे बातें करता है। उसकी वाणी में आग है, आग प्यारे भाइयों, और उसके वचनों में जीवन है। यीशु के वचनों में जीवन है, इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों लोग चंगे होते थे, मुर्दे जिलाए जाते थे, उसके कहने पर सब कुछ होता था। यहोवा परमेश्वर के कहने पर सब कुछ हो गया। उसने कहा दिन हो जाए तो दिन हो गया, उसने कहा रात हो जाए तो रात हो गई, उसने कहा कि धरती पर फैला हुआ जल एक जगह एकत्र हो जाए तो ऐसा ही हो गया, और उसने उसका नाम समुद्र रख दिया। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसी आशा के साथ मसीहों का जीवन आगे बढ़ना चाहिए कि मेरे जीवन में आज कष्ट है लेकिन कल मेरा मेरी जिंदगी, मेरा जीवन अच्छा होगा। यह हमारा विश्वास है और यह हमारा भरोसा है। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आराधना करते हैं, तो यह आराधना और प्रार्थना आपको हौसला देती हैं और आपको प्रभु से जोड़े रखती हैं और आपको बल मिलता रहता है और आप आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए जितनी समस्या ज्यादा बढ़ती जाए उतनी ज्यादा प्रार्थना बढ़ाते जाना चाहिए। जितनी बड़ी आपकी समस्या है उतनी ज्यादा आपकी प्रार्थना बढ़ जानी चाहिए। जितना बड़ा दुख है उतनी बड़ी, उससे भी ज्यादा प्रार्थना बढ़ा देनी चाहिए। एक विश्वासी को अपने जीवन में लगातार समर्पित होकर प्रार्थना करते रहना चाहिए और खटखटाते रहना चाहिए। कीप ऑन आस्किंग, कीप ऑन नॉकिंग माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। खोजते रहें, खटखटाते रहें, मांगते रहें, धन्यवाद देते रहें। उपयुक्त समय आने पर कहता मैं तेरी जरूरत को पूरा करूंगा, मैं उपयुक्त समय आ जाने पर तेरी हर जरूरत को क्या करूंगा, पूरा करूंगा। ईश्वर प्यारे भाइयों और बहनों हमारी परिस्थितियों को नहीं बदलता, वो आपको और मुझे बदलता है। और जब हम बदल जाते हैं तो हमारी परिस्थिति खुद ब खुद बदल जाती है। जब हम बदल जाते हैं तो हमारी परिस्थिति खुद ब खुद बदल जाती है। आप ये मत सोचना कि प्रभु नीचे उतरेगा और कहेगा लो एक किलो सोना ले लो, जाओ और बेचो और पैसा ले आओ और तुम्हें रोटी मिल जाएगी। वो आपसे कहेगा उठ, आलसी मत बन, मेहनत कर और मैं उस मेहनत को आशीष प्रदान करूंगा। और उस मेहनत का फल प्यारे भाइयों और बहनों ईश्वर की आशीष के रूप में आपके जीवन में आएगा। इसलिए वो आपको बदलता है, वो लोगों को बदलता है। और जब लोग बदल जाते हैं तो उनकी परिस्थितियां अपने आप बदल जाती हैं, क्योंकि वो पहले जैसे नहीं रहते। पहले वो नशे में रहते थे लेकिन अब वो नशे में नहीं रहते थे, अब नहीं रहेंगे क्योंकि उनका मन बदल गया है। तो उनकी परिस्थिति खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। उनका बोलना अच्छा होगा, उनका चलना भी अच्छा, लोगों को अच्छा लगने लगेगा, उनकी बोली भी लोगों को अच्छी लगने लगेगी। इसलिए परमेश्वर का बेसब्री से इंतजार करें, प्रार्थना करते रहें, मांगते रहें, धन्यवादित होकर एक एक चीज के लिए प्रार्थना करते रहें। जिंदगी में कांटे कितने भी हों, राहों में कांटे कितने भी हों, लेकिन आपको चलते जाना है, चलते जाना, चलते जाना है, ये विश्वास करके कि यीशु मेरे और आपके साथ है, संसार के अंत तक हमारे साथ है। मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 28 पद संख्या 20 में, याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। जैसे मैं हारून के साथ था, जैसे मैं मूसा के साथ था, जैसे मैं योशुआ के साथ था, जैसे मैं अपने नबियों के साथ था, वैसे मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगा। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। एक सुंदर गीत है, ये गीत हमें आशा प्रदान करेगा। राहों में कांटे अगर हों, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, बस तू विश्वास करना, समर्पित हो जाना, प्रायश्चित करना।
रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक अगर हो रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक करना।
हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 8, प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा इसलिए भयभीत ना हो और मत डरो। हालेलुया। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और ना दिन में चलने वाले बाण से और ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से और ना दोपहर को चलने वाली लू से हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है अध्याय 121 पद संख्या 7, प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा वह तुम्हारी रक्षा करेगा तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वह तुम्हारी रक्षा करेगा अभी और अनंत काल तक आमीन। इतने सुंदर वचन है बाइबल के, प्यारे भाइयों और बहनों। यहोवा परमेश्वर जिसने अपनी प्रजा को चुना, पवित्र किया, एकत्र किया, वो कहता है तू डर मत, मैं तेरे आगे चलूंगा, मैं तुझे बुराई में गिरने ना दूंगा, मैं बुराई से तेरी रक्षा करूंगा, तुझे रात्रि के आतंक से भय ना होगा। जिन्हें रात को डर लगता है, कहता है तू बस विश्वास कर, तुझे रात्रि के आतंक से भय ना होगा, तुझे दिन में चलने वाले बाण से और दोपहर में चलने वाली लू से तुझे कोई हानि ना होगी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो प्रतिज्ञाओं का धनी है, जो दयालु है, दया करता है, वो तुम्हारे साथ चलेगा। इसलिए तुम मत डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया, अपने संतान के रूप में मैंने तुझे अपनाया। ये आज का वचन हमें ढारस बंधाना चाहता है, इस आशा को हमें प्रदान करना चाहता है। इसलिए एक विश्वासी को समर्पित होने की आवश्यकता है अपने जीवन में। अगेन आई रिपीट दैट अ बिलीवर नीड्स टू ऑफर हिज और हर लाइफ टू द लॉर्ड, अ बिलीवर नीड्स टू ऑफर हिज फैमिली टू द लॉर्ड, अ बिलीवर नीड्स टू ऑफर हिज चिल्ड्रन टू द लॉर्ड। मतलब एक विश्वासी को अपने परिवार को, अपनी बिगड़ी हुई परिस्थिति को, अपनी आर्थिक तंगी को, विषम परिस्थिति को, अपनी संतान को ईश्वर को समर्पित होने की आवश्यकता है। ये अनुग्रह पाने का सबसे पहला और बड़ा मंत्र है, प्यारे भाइयों और बहनों। अगर आप अनुग्रह पाना चाहते, अगर आप अनुग्रह में बने रहना चाहते हैं, तो आपको समर्पित होना ही पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभु है, विश्वास करना पड़ेगा कि वो चिन्ह चमत्कार कर सकता है, विश्वास करना होगा कि वो हमारी जिंदगियों में चमत्कार आज भी करता है। ये एक विश्वासी को विश्वास की दृष्टि से देखना होगा। हमारी अंतरात्मा तो जानती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन मन को समझाना बड़ा कठिन है। सुनिए ध्यान से, आपकी अंतरात्मा अच्छे से जानती है कि बुरा क्या है और अच्छा क्या है, लेकिन मन को यदि आप समझा लें तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। इसलिए कोई काम करने से पहले इंसान के मन में दो विचार आते हैं, करूं या ना करूं, पीऊं या ना पीऊं, इस काम को करूं या ना करूं। वो जानता है ये करूंगा तो इससे ये होगा, लेकिन मन नहीं मानता है, कहता पी ले बेटा कोई बात नहीं, कर ले बेटा कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो होगा। जब इस तरीके की सोच इंसान के मन में है कि देखा जाएगा जो होगा, तो अब आपको झेलना ही पड़ेगा जो जिंदगी में हुआ है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि ऐसा हो, लेकिन आपने कहा बेटा कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो होगा। तो अब आप देखिए,
लेकिन वो परमेश्वर जो प्रतिज्ञाओं का धनी है आपको बुलाता है, कहता है अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, अपना हृदय खोल कर तुम मेरे पास लौटो और मैं तुम्हारे पास लौटता हूं। तो विश्वासी के जीवन में मैंने बताया कि समर्पण, और दूसरी बात मैंने आपसे बताई कि अपनी परिस्थितियों को प्रभु पर छोड़ देना, तीसरी बात अपनी चिंताओं को प्रभु पर छोड़ना, चौथी बात कि परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करना, और पांचवी बात ईश्वर के साथ रहकर चलना, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो जिंदगी में, दुख में, कष्ट में, बीमारी में घबराना नहीं बल्कि वचन पर विश्वास करना। प्यारे भाइयों और बहनों, छठवीं बात प्रार्थना में लगे रहना, खटखटाते रहना, ढूंढते रहना, धन्यवादित होते जाना और वचन के साथ प्रार्थना करना, वचन के साथ प्रार्थना करना। इसलिए स्त्रोत ग्रंथ सबसे अच्छा ग्रंथ है जिसके द्वारा आप सुबह, दोपहर और शाम को प्रार्थना कर सकते हैं। घुटनों पर आकर उन भजन के द्वारा आप अपने भावों को समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि हम नहीं जानते कि हमें किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए, इसलिए वचन के साथ प्रार्थना करना, माला विनती रोजरी बोलकर मध्यस्थता करते हुए प्रार्थना करना, वचन बोल के प्रार्थना करना, अपने धार्मिक कार्यों को करते रहना और उससे हिम्मत नहीं हारना और आगे बढ़ते रहना, और परमेश्वर आपको प्यारे भाइयों और बहनों आशीष प्रदान करेगा, अनुग्रहित करेगा। सातवीं बात, आध्यात्मिक जीवन जीना शुरू करना। आध्यात्मिक जीवन का मतलब है पवित्रता का जीवन, विनम्रता का जीवन। एक विश्वासी को, एक प्रभु के चुने हुए अनुयायी को आध्यात्मिकता का, पवित्रता का और धार्मिकता का जीवन जीने की आवश्यकता है। एंड यू विल सी द अनॉइंटिंग इन योर लाइफ, इन योर फैमिली, क्योंकि यशायाह नबी के ग्रंथ में प्रभु का वचन ये कहता है, तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे चलेगी और मेरी महिमा तेरे पीछे पीछे आएगी। लोगों की धार्मिकता उनके आगे नहीं है, इसलिए प्रभु की महिमा भी उनके पीछे नहीं है, इसलिए जल्दी ही निराश हो जाते हैं, इसलिए वो जल्दी ही निराश हो जाते हैं। तो सुनिए ध्यान से कि प्रवक्ता अध्याय 35 पद संख्या 21 में क्या कहता है, वो तब तक आग्रह करता रहता है जब तक कि सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया न करे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 35 वर्स 21, तब तक आप क्या करें, आग्रह करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, जब तक कि परमेश्वर आप पर दया ना करे। और बाइबल कहती है यशायाह नबी के ग्रंथ में, तू तब तक प्रभु को खोजती रहे जब तक कि वह तुझे ना मिल जाए, जब तक कि वह तुझ पर दया ना कर दे। शोक गीत अध्याय 3 पद संख्या 39, मेरी आंखें अविराम बहती रहती हैं और प्रभु की प्रतीक्षा में लगी रहती हैं। अविराम मतलब बिना रुके हुए, उसमें से आंसू जो हैं वो बहते रहते हैं, बहते रहते हैं, बहते रहते हैं। शोक गीत अध्याय 2 पद संख्या 18 और 19, कि तुम्हारे आंसू रुके नहीं, वो बहते रहे, वो बहते रहे। अपने बच्चों की प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना करें, घुटनों पर आए, समर्पित करें एवरी डे। एक दूसरे को कोसने की बजाय, एक दूसरे को बुरा बोलने की बजाय आप समर्पित करें, बिकॉज लॉर्ड कैन चेंज द माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ द पीपल। अगर वो साउल का मन बदल सकता है जो कि इतना बड़ा अत्याचारी था और उसको प्यारे भाइयों और बहनों अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करता है, तो मैं और आप क्या चीज है उसके सामने, कुछ भी नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें। आज की संध्या जो वचन आपने सुना है, प्रभु ने हमें भरोसा दिया है कि वो हमारे साथ रहता है, हम इसलिए हम चिंता ना करें, हम समर्पित करें, प्रार्थना करते जाएं, पवित्रता और विनम्रता का जीवन जिए, अपने बच्चों के लिए निरंतर प्रार्थना करें, प्रायश्चित करें, क्योंकि बाइबल कहती है प्रायश्चित और स्वीकृति में तेरा कल्याण है। आइए इस वक्त हम चंगाई की प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु हमें आशीष प्रदान करें। हम सब खड़े हो जाएं। आप में से जितने भी लोग मेरे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में एक हैं, इस वक्त पूरे मन से, आत्मा से, हृदय की सच्चाई से इस चंगाई प्रार्थना में भाग लें और प्रभु का अनुग्रह आपके परिवारों में और हमारे जीवन पर उतरे।
आगे आ जाइए। आत्मा मंडराता, अभी
हर प्रकार की आर्थिक तंगी दूर हो जाए, नशे की दुष्ट आत्माएं इनके हृदयों परिवारों शरीरों आत्माओं से निकले। हे प्रभु, इनके जीवन की बिगड़ी परिस्थिति को संवार दे, संवार दे। तेरा अनुग्रह तेरी आशीष इनके ऊपर उतरे, इनके बच्चों पर दया कर, इनके रोजगार पर दया कर, इनकी नौकरी पर दया कर, इनकी पढ़ाई लिखाई पर दया कर। नौजवान बच्चों को, पढ़ने लिखने वाले बच्चों को स्मरण शक्ति का आत्मा, बुद्धि ज्ञान शक्ति सामर्थ का आत्मा प्रदान कर। विश्वासियों को विश्वास का वरदान देने की कृपा कर। जो तेरे साथ जुड़े नहीं हैं अपने पास लौटने की कृपा दे। इनके परिवारों पर तेरी रूह का मसा छाया रहे। अधिकार लीजिए, अधिकार लीजिए, अधिकार लीजिए प्रभु यीशु, इनके जीवन पर, परिवारों पर, बच्चों पर, नाती पोतों पर, बुजुर्गों पर, माता पिता पर, इनके खेत खलियानों पर, इनकी योजनाओं को सफल कर। इनके वैवाहिक जीवन पर अधिकार लीजिए। जिन वैवाहिक जीवन में प्रभु समस्याएं हैं उन पर दया कीजिए। पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरे चुने हुए दास दासियों के लिए, धर्म बहनों के लिए, धर्म बंधुओं के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, इनकी अगुवाई कर। जो बुजुर्ग हैं, रोगशैया पर हैं, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इन्हें सांत्वना दें। जो रोगशैया पर हैं, जो चल फिर नहीं सकते, लकवे की बीमारी से पीड़ित हैं, यूरिक एसिड की समस्या, अस्थमा के रोग, ब्रेन ट्यूमर के रोग, हीमोग्लोबिन की कमी, रक्तस्राव की बीमारी, लाइलाज बीमारियां, शरीर में खुजली की बीमारी, जलन की बीमारी, सफेद दागों की बीमारी, लिकोरिया, हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र लहू का मसा इनके शरीरों पर हो जाने दे। तेरा पवित्र लहू जो अभिषेक देता है, चंगा करता है, शांति स्थापित करता है, हमें जीवन प्रदान करता है, इनकी हड्डियों की मज्जा तक में वो लहू बह जाने दे। इनके घुटनों में बल आ जाए। जो चल फिर नहीं सकते हैं, इस वक्त यीशु के नाम पर, ईसा नाज़री के नाम पर उठे और चले फिरे। प्रभु इनके पापों को क्षमा करने की कृपा कर। जैसे तूने अर्धांग रोगी के पापों को क्षमा किया और उससे कहा कि अपनी खाट उठा और अपने घर जा, एक शब्द कह दे और तेरे सेवक चंगे हो जाएंगे, तेरे भक्त चंगे हो जाएंगे। हे प्रभु, इन पर दया करने की कृपा कर। मूसा के जैसे इन हाथों को उठाता हूँ, तेरे नबियों के जैसे इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु यीशु, तू हमारे और पिता के बीच में मध्यस्थता करता है, हमारे लिए विनती करता है। तेरी इस प्रजा की विनतियों को कबूल कर और इन्हें आशीष प्रदान कर, अपने अनुग्रह से भर दे। हे प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा इनके जीवन में, इनके परिवारों में शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, उद्धार आ जाए। आज का ये वचन के जीवन में 100 गुना फल लाए, हमारी प्रार्थना सुन ले अपने सामर्थी पवित्र नाम से। सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना, सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना, सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना, करते हैं। वे लोग जो नशा करते हैं, जिनके अंग, जिनके लीवर, किडनियां खराब हो चुकी हैं, हे प्रभु यीशु, इन्हें स्पर्श कर, इस दुष्ट आत्मा से इन्हें आजाद कर। जो लकवे से पीड़ित हैं प्रभु, इनकी हड्डियों में बल आ जाए। जो लंगड़े हैं प्रभु, चल फिर नहीं सकते, इनके टखनों में बल आ जाए प्रभु। जिन्हें गलत रिश्तों में है, उनके गलत रिश्ते प्रभु टूटे, वो बंधन टूटे,
तंत्र मंत्र जादू तोड़े, नजर की दुष्ट आत्मा का बंधन टूटे, अहंकार ईर्ष्या द्वेष का बंधन टूटे, हे प्रभु शरीर की अपवित्रता का बंधन टूटे, इनके परिवारों से आर्थिक तंगी का बंधन टूटे, लड़ाई झगड़ों के मन मुटावों के बंधन टूटे, शैतान के सारे हमले विफल हो जाएं, तेरे इन बच्चों पर दया कर प्रभु, दया कीजिए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना, सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं तेरे दासों के लिए, चुने हुए दासों के लिए, धार्मिक अगुवाओं के लिए, पुरोहितों, धर्म बहनों, धर्म बंधुओं के लिए, प्रचारकों के लिए, तेरा वचन सुनाते, तेरे नाम को महिमा देते, दूर दराज में तेरे नाम को ऊंचा करते, इनका विश्वास कायम रहे, इनका विश्वास दृढ़ होता जाए, अपने दासों की वाणी को तू सच प्रमाणित कर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना, प्रार्थना करते हैं देश के अधिकारियों के लिए, शासकों प्रशासकों के लिए, जो देश की बागडोर संभाले हैं, समाज का नेतृत्व करते हैं, प्रभु इन पर दया कर, इनके हृदयों मन को शुद्ध और पवित्र कर, जिससे ये अपने प्रजा की देखभाल निस्वार्थ रूप से कर सकें। हे प्रभु जो जिम्मेदारियां इन्हें सौंपी गई हैं उसमें प्रभु ये बड़ी ईमानदारी लगन के साथ तेरी प्रजा की अगुवाई करते जाएं, सेवा करते जाएं, पास पड़ोस के देशों में और हमारे देश में शांति बनी रहे, लोग एक दूसरे को सहन करें, एक दूसरे को क्षमा करना सीखें, एक दूसरे को प्रेम करना सीखें, इनके घरों में शांति विराजे, समाज में शांति विराजे, घरों में उन्नति आए, धार्मिकता और आध्यात्मिकता का जीवन इनके हमारे देश में हमारे परिवारों में बढ़ता जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना, सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना। अपने हाथों को उठाएं, योजनाओं को समर्पित करें। हे प्रभु यीशु तेरा दास इस वक्त तेरे इन बच्चों की योजनाओं को समर्पित करता है, जो गाड़ी लेने का विचार कर रहे हैं, जो घर बनाने का विचार कर रहे हैं, जिन्होंने योजना बनाई है, हे प्रभु इनकी योजनाएं सफल हो जाएं, इनका दाम्पत्य जीवन प्रभु सफल हो जाए, जो वर और वधू की तलाश में हैं, हे प्रभु इनके लिए अच्छा वर और वधू की तलाश कर, हे प्रभु तेरा वचन इनके जीवन को परिवर्तित करे, हे प्रभु तू अपने दासों की वाणी को सच प्रमाणित करता है, आज तेरी प्रजा पर दया कर, जितनों ने विश्वास किया है सब के सब उद्धार पाएं, जैसा इन्होंने विश्वास किया इनके जीवन में प्रभु हो जाने दे, इनके जीवन में चंगाई आ जाने दे, इनके जीवन में हर बंधन से आजादी आने दे, इनके जीवन में प्रभु हर प्रकार की भलाई हो जाने दे, प्रभु आपका वादा है कि मुझे इनकी भलाई करने में आनंद आता है, तेरा ये वचन इनके जीवन में पूरा हो जाने दे, बच्चे नवयुवक युवतियां नवजात शिशु तेरे पवित्र लहू से मसा करता हूँ, शैतानी दुरात्मा शक्तियों से इन्हें बचा के रखने की कृपा कर, हमारी प्रार्थना कबूल फरमा, उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। साष्टांग प्रणाम करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो,
सदा सर्वदा पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा आशीर्वाद ग्रहण करें। जोरदार तालियां बजाएं, प्रभु को धन्यवाद दें। जोरदार सबको जय यीशु की। मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके लिए उद्धार लाएगा और बहुतों के जीवन में लाया है, आपके जीवन में अनुग्रह बना रहे, यही हमारी दुआ है, प्रार्थना है।
जितने भी लोग आज पहली बार इस संध्या वंदना में प्रेज़ एंड वर्शिप में भाग ले रहे थे, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस लिंक को मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, और यदि YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करें। हम सब के लिए प्रार्थना करें ताकि ये उत्साह बना रहे, नित्य प्रतिदिन आपके साथ मिलकर हम प्रभु की स्तुति वंदना और आराधना कर सकें। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।